हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इन स्टूडियोज मेरा नाम है जतन और आज इस वीडियो में कोई भी ट्यूटोरियल नहीं होने वाला है ना ही आज इस वीडियो में हम कोई प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाले हैं आज इस वीडियो में हम कुछ बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइक like आप टाइटल से ही समझ गए होंगे म्यूज़िक नहीं बन पा रहा है सो so म्यूजिक नहीं बन रहा है क्या रीज़न्स हैं क्या चीज़ें होती हैं इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो को तभी आप देखना जब आपके पास टाइम हो बिकॉज इस वीडियो के लिए मैंने कुछ भी प्लान नहीं करा है जस्ट एकदम से माइंड में थॉट आया एंड मैंने सोचा कि मैं शूट कर लेता हूँ सो मुझे नहीं पता कि वीडियो कितनी लंबी हो सकती है या फिर होगी सो जब आपके पास टाइम हो तभी आप इस वीडियो को आराम से देखना काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए लेकिन उसके बाद माइंड में कुछ आता था दिल में कुछ आता था कि यार नहीं ये वाली चीज़ नहीं बनाते हैं काइंड ऑफ एक नेगेटिव वाली चीज़ नहीं हम रिप्रेजेंट uh, करते हैं लेकिन बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा कि आपको मोटिवेट करते हैं मोटिवेशनल वाली चीज़ें आपको मिलती हैं कि म्यूज़िक में ऐसा करो ऐसा करो ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा लेकिन जब रियलिटी में हम उस चीज़ को करते हैं सो वो कई बहुत बार ऐसा होता है कि वो सही से नहीं अप्लाई होती हैं हमारी लाइफ पे आई I मीन mean, मेरी लाइफ पे या फिर आपकी लाइफ पे सो so, मैंने सोचा यार ये वीडियो बनानी ही पड़ेगी सो so, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है आ जाते हैं मेन टॉपिक पे म्यूजिक नहीं बन रहा है अब म्यूज़िक क्यों नहीं बन पा रहा है इसके पीछे बहुत सारे रीजनस हो सकते हैं लेकिन एक रीज़न जो सबसे ज़्यादा कॉमन होगा टाइम नहीं मिल पा रहा है यार म्यूजिक में म्यूजिक बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है क्या करें सो so, टाइम ना मिल पाना ना मतलब एक एक्सक्यूज़ uh, हुआ लेकिन इसके पीछे की जो रियलिटी है वो टोटली totally डिफरेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज मेरे साथ काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि मैं म्यूज़िक नहीं बना पा रहा हूँ दैट्स वाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं म्यूज़िक नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये जस्ट एक एक्सक्यूज़ है एक ये बहाना बना रहा हूँ एक्जैक्टली रीज़न क्या है मैं अपना रीज़न आपको बता देता हूँ म्यूज़िक मेरा पार्ट टाइम जॉब है फर्स्ट जो मेरा मेन जॉब है वो मैं एक जॉब करता हूँ अब मेन फोकस क्या है जॉब क्या था अभी जब कोविड था तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बाकी कंपनीज के भी ओवरऑल वर्ल्ड में ही जो बिज़नेस था वो थोड़ा सा डाउन था उस टाइम पे इतना काम नहीं था सो थोड़ी बहुत वीडियोस बन रही थी लेकिन उसके बाद क्या था कि जैसे ही अब ये लॉकडाउन वाली चीज़ें हटी है ना एंड वापस बिजनेसे स्टार्ट हुए हैं सो यार एकदम से लोड पड़ गया है काम ज़्यादा हो गया है तो अब आप कहोगे कि काम में ज़्यादा बिजी हैं काइंड kind ऑफ of आप बोल सकते हो लेकिन ये चीज़ ना सबके लिए डिफरेंट होगी अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा वापस आ जाते हैं मेरी लाइफ पे तो अभी क्या चल रहा है मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ना मतलब चीज़ें ऑफिस के काम में बिजी हूँ साथ में कुछ और चीजें हैं जो मेरी पर्सनल लाइफ में है वो थोड़ी सी उन सब चीज़ों पर माइंड मेरा ज़्यादा जो है उस टाइप फोकस हुआ पड़ा है सो so, अब क्या है मतलब अगर आप देखो तो अच्छे खासे मेरे पास इक्विपमेंट्स भी हैं मतलब सॉफ्टवेयर्स भी हैं मतलब ऐसा किसी चीज़ की कमी नहीं है लेकिन फिर भी फिर भी म्यूजिक नहीं बन पा रहा है मैं काफ़ी कम यहाँ पे आके बैठता हूँ एंड जब भी बैठता हूँ सो so, मैं सोचता हूँ कि यार मैं बना लूँ कुछ ना कुछ बना लूँ थोड़ी देर बैठूं कुछ ना कुछ बन जाएगा लेकिन नहीं हो पाता है ट्रस्ट में नहीं हो पाता है गर्मी भी बहुत ज्यादा है उसका असर भी हो सकता है लेकिन मेन जो है वो माइंड दूसरी तरफ चल रहा है मतलब एक डाइवर्ट हुआ पड़ा है ऐसा नहीं है कि अपनी राह से भटक गए नहीं आपकी लाइफ में या फिर मेरी लाइफ में सबकी लाइफ में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी सो so, वो चीज़ें निभानी बिल्कुल चाहिए एंड मेन जो आपका काम है उसकी तरफ आपको देखना ही पड़ेगा लाइक like, अगर आप आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है देन आपको मेन चीज़ अपनी जो प्रायोरिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही रखनी पड़ेंगी अपनी फैमिली रखनी पड़ेगी अगर आप एक स्टूडेंट हो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो स्कूल में हो देन आपको होगा कि टेंथ के या फिर ट्वेल्थ के आपके पेपर्स होंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे उसकी तैयारी करनी है या फिर आगे करियर ऑप्शंस के बारे में भी आप सोचोगे कौन से कॉलेज में जाना है क्या चीज़ आप चूज़ करोगे बहुत सारी टेंशनस होती हैं अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो सो वहाँ पे भी आपको कि आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या करना है आगे करियर ऑप्शंस जॉब बहुत सारी चीज़ें होती हैं सो सबकी जो लाइफ में मतलब प्रायोरिटीज़ हैं या फिर सिचुएशंस हैं ना वो डिफरेंट होती हैं तो अगर सिर्फ मैं कहूँ कि नहीं आप सिर्फ बैठ के थोड़ा सा टाइम दो कुछ ना कुछ बनेगा नहीं होगा बिकॉज़ आप बैठ तो जाओगे आप फिज़िकली तो होगे लेकिन मेंटली आप यहाँ पर नहीं होगे एटलीस्ट ये चीज़ मैंने ट्राई करी है सो मेरे साथ पॉसिबल नहीं हो पाया मतलब इतना कोई मेरे से फ़ायदा नहीं हुआ मैं आके बैठता था कुछ करता था लेकिन मन ही नहीं करता था मतलब कहीं और जगह मन लग जाता था तो काइंड kind ऑफ of चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी अभी ट्रैक से हटी हुई हैं बट आई एम श्योर बहुत जल्दी वापस आ जाएंगी एंड एक चीज़ और एक मुझे कमेंट आ रहा था कि मतलब नाम मैं नहीं ले रहा हूँ कि आपके पास वेव्स का बंडल है एंड उसके बाद भी आप म्यूज़िक नहीं बना रहे हो एंड किसी ने मेरे को आ, इंस्टा पे स्क्रीनशॉट भी वो भेजा था तो यार सिंपली सी बात मैं आपको बताऊँ थैंक यू मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने इतना मेरे बारे में सोचा कि इतनी सारी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी मैं नहीं बना रहा हूँ थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करने के लिए सो सबसे पहले तो थैंक यू आपको बट क्या करें आपको मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ शायद आपको बुरा लगा हो कि मेरे पास चीज़ होते हुए भी मैं नहीं चीज़ बना पा रहा हूँ सो सिंपली मैंने अभी आपको बताया कि जो मेरा माइंड है अभी किसी और जगह डाइवर्ट हुआ पड़ा है जो कि अलग काम है उस चीज़ में थोड़ा सा फ़ोकस अभी हुआ पड़ा है मुझे नहीं पता कि ये कब तक चलेगा एंड म्यूज़िक पार्ट टाइम था आजकल थोड़ा सा दूसरी चीज़ों में मैं बिज़ी हूँ बिजी जैसे कि मैंने आपको बताया जॉब में प्लस थोड़े से और करियर ऑप्शंस एंड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत पर्सनल चीज़ें भी हैं सो म्यूज़िक से अभी थोड़ा सा माइंड हटा पड़ा है बट मैं कोशिश करूँगा मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ ये वीडियो आपको मिल रही है जून में सेकेंड जून को आपको मिलेगी ये मे में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है कुछ वीडियोज़ थी जो शायद फर्स्ट वीक में आई होंगी बट वो मैंने पहले से शूट कर रखी थी वो पता नहीं क्या था वो मैंने पोस्ट कर दी पड़ी हुई थी तो मैंने पोस्ट कर दी बट मे में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी है शौक़ बहुत बड़ी चीज़ है म्यूज़िक का शौक है लेकिन 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 जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मतलब उसका पलड़ा ज़्यादा भारी मैं कहूँगा एंड आप भी इस बात से एग्री करोगे मेन आपका टारगेट क्या है फोकस क्या है अगर आप रीमिक्स वगैरह भी बना रहे हो लो फाई सॉन्ग्स बना रहे हो सॉन्ग्स को आपने लो स्लो कर दिया उसमें रिवर्ब डाल दिया जो आजकल काफ़ी ट्रैक्स चल रहे हैं लेकिन आप ये बताओ ना उसको करने से आपको ऐसा कुछ नहीं मिला भले ही आपके वीडियो पे दस लाख 20 लाख जितने भी तीन चार मिलियन जितने भी आपके उस पर व्यूज़ आ गए बट आप देखो कॉपीराइटेड सॉन्ग था कुछ आपको मिला तो नहीं ना सो so, मैं भी ऐसे काम नहीं करना चाहता हूँ मैं जितना हो सकता है उतना जो है मतलब देता हूँ ध्यान ध्यान से एक चीज़ और याद आई जैसे कि भाई मैंने बताया कि मेरा जो माइंड है अभी दूसरी चीज़ों में थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ पड़ा है फोकस दूसरी चीज़ों पे है सो एक चीज़ ये भी होती है सिर्फ अगर आप करने यहाँ पे बैठ रहे हो ना आप अपना डी डब्ल्यू खोल के बैठ गए कि कुछ बनाता हूँ इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी की चीज़ नहीं आ पाएगी बिकॉज़ फ़्रेश माइंड भी चाहिए प्लस क्या होता है जब आप किसी चीज़ को देखते रहते हो ना लाइक पहले मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स बहुत देखता था अब बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं so, सो ट्यूटोरियल से काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता था अच्छा ये चीज़ है इसको मैं हिंदी में करता हूँ पहले मैंने समझी देन मैंने आपको समझाया एक ट्यूटोरियल में क्या चीज़ आई वो करते करते जो मैं सीखा कुछ दो तीन चीज़ें और सीखी एक दो ट्यूटोरियल जो है वो और बन गए सो so, इस तरीके से चलता था अब क्या है काम थोड़ा सा जो ट्यूटोरियल देखने का ही है थोड़ा सा मतलब म्यूज़िक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करने का है वो ही नहीं हो पाता है सो काइंड ऑफ ये वाली चीज़ भी वीडियोस भी इसलिए नहीं आ पा रही है तो सेम सेम नहीं मतलब सिंपल सी यही बात है कि आपकी लाइफ में भी प्रायोरिटीज होंगी थोड़ा सा आप उनको देखो म्यूज़िक हाँ शौक है पैशन है करना है ऐसा नहीं है छोड़ दिया है नहीं भाई नहीं छोड़ा है ज़रूर करेंगे जितना होगा उतना करेंगे लेकिन अगर पर्टिकुलर टाइम पे आपका माइंड नहीं चल रहा है कि दूसरी जगह पे लगा पड़ा है सिंपल सी बात है दूसरी जगह लगा पड़ा है इसीलिए इस पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो सो so, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ उस टाइम की जो प्रायोरिटी है उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो प्रायोरिटी है आप उस पर फोकस करो वो ज़्यादा बेटर अच्छे तरीके से हो जाएगी देन वापस म्यूज़िक तो यार आपके हाथ का मैल है आप कभी भी हाथ रगड़ोगे तो मैल निकल जाएगा थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा काम करोगे तो म्यूज़िक ज़रूर बन जाएगा पहले मैं सोच रहा था कि नहीं बनाता वीडियो एंड काफ़ी टाइम से था कि कुछ इस टाइप की वीडियो बनानी थी कुछ ना कुछ मैंने शूट भी करी थी लेकिन उसके बाद ना कुछ होता था कि यार नहीं डालता नहीं डालता लेकिन फाइनली आई डिसाइडेड कि आज फिर से एक बारी शूट करते हैं एंड डालते हैं काइंड kind ऑफ of ये भी होगा कि मैं वीडियो डालूंगा काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है एक महीने के बाद वीडियो आ रही है सो so, आपके भी कॉमेंट्स देख के मुझे खुशी होगी दोगे या दो कुछ ऐसी बातें बोलोगे जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊँ सो so, वो भी मेरे को अच्छा लगेगा सो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना आपके थाट्स क्या हैं एंड आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है मेन फोकस किस पे है म्यूज़िक पे है या अपने और किसी काम पे है पढ़ाई पे है फैमिली पे है किस पे है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ये जो वीडियो है इसका मैं सोच रहा हूँ ऑडियो फॉर्म में भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूँ सो so आप बाद में कभी सुन भी सक सकते हो सक सकते हो सुन सकते हो सो so, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ग्रुप ज्वाइन कर लो ना सो so, वहाँ पे वीडियो का जो ये सिर्फ ऑडियो है आपको वो भी मिल जाएगा सो so, चलो अभी के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा टाटा बाय बाय मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ सो so, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आई थिंक मैं बोल रहा हूँ पता नहीं क्या हो गया मेरे को सो so, एनी मैं ट्राई करूँगा कि इस महीने मतलब जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना वीडियोस बनाऊँगा मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करूँगा हो सकता है आपके कमेंट्स आए एंड उसके बाद कुछ अच्छे से वीडियो मैं बना दूं सो so, वेट करना भूलना मत बिकॉज मैं देख रहा हूं कि सब्सक्राइबर्स कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं हल्के हल्के बढ़ रहे हैं ग्रोथ हल्के हो रही है लेकिन फिर भी ग्रोथ हो रही है सो so, मैंने सोचा क्यों ना जब आप प्यार दे रहे हो सो थोड़ा सा मैं भी ट्राई कर लूँ ट्राई करूँगा पक्का एंड ट्राई करूँगा बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊँ आज के लिए इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में